please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. और अंबेडकर जी का उनका कॉन्स्टिट्यूशन में बनाने में जो रोल रहा है, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में कुछ अंदर रोल करते थे, कुछ देश से बाहर करते थे, कॉन्स्टिट्यूशन वाले अलग उनका किरदार रहा है। बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा हुई, बहुत है, सब राजनीतिक दलों के नेताओं को अपनी बात रखने का पूरा हक है, लेकिन जिस बुनियाद की आधार पर ये सरकार बनी थी 2014 में, 2013 के आखिरी कुछ महीनों से प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कंपेन कमेटी के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो गए थे, तो जो सबसे बड़ा आरोप यूपीए सरकार के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ खड़ा किया था, आज आपकी ही सरकार, बहुत खुशी हुई कि आज हमारी सरकार में अगर हमको कोर्ट अदालतें और अटॉर्नी जनरल शायद उन आरोपों से मुक्त कराते तो हम पर जरूर ये आरोप लगता कि हम इनसे प्रभावित होकर, सरकार से प्रभावित होकर सीबीआई कोर्ट ने निर्णय लिया 2G का, तो जो हिमालय का पहाड़ खड़ा किया गया था, विनोद राय को बनाया था, जो हिमालय का पहाड़ खड़ा किया था हमारे खिलाफ, सबसे भ्रष्ट सरकार का नाम दिया गया था, सैकड़ों और हजारों सभाओं में, शुक्र है कि आपकी ही सरकार उस सीबीआई के जज ने उन तमाम दोषियों को बरी कर दिया। वो आपकी जो इमारत खड़ी की थी, जो रेत की दीवार, रेत का हिमालय जो आपने बनाया था, वो कुछ 4-5 साल तो चला, लेकिन आखिरकार गांधी जी हमेशा कहते थे सत्य की विजय होती है, सच की विजय होती है, सच की विजय हुई। बोफ्रस पर कई सरकारें बनी, 87 से लेकर, बल्कि शायद भारत के इतिहास में पहली दफा हुआ कि लेफ्ट राइट और सेंटर सब एक हो गए कांग्रेस के खिलाफ। मैं यूपी का इंचार्ज था, देख रहा था, सब पॉलिटिकल पार्टीज एक फॉरम से भाषण कर रहे थे, और माननीय भगवान को स्वर्ग में जगह दे वीपी सिंह साहब जेब में ये कागज लिए हर वक्त मीटिंग में कहते थे ये मेरे पास जेब है, सरकार दे दो और दूसरे दिन मैं नाम बता दूंगा। आप सब लोग ने मिलकर उनका उनकी मदद की, वो प्रधानमंत्री बने, अपने वो जीवन काल में वो कागज उनके जेब से, ऊपर वाले जेब से निकला नहीं, और उससे लेकर आज तक कई प्रधानमंत्री बने, वो बोफर्स की आग पर अपनी रोटियां सेकते रहे, और शुक्र करता हूं कि भगवान का अल्लाह कि आपकी सरकार नहीं, आपके अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बता दिया कि इस पर और कोई सबूत नहीं है, अब इतने सालों से निकल रहे हैं। इसलिए जो बेबुनियाद फिर भी आप करेंगे, कर दिया आप, कितनी सरकारें बनाएंगे आप उस नाम पर जिसमें इतने प्रधानमंत्री बने, उसके बाद और कई सरकारें में पक्ष क्यों बने? माननीय बीजेपी के अध्यक्ष जी ने यहां बताया कि माननीय मोदी साहब ने 3 चीजों से देश को मुक्त किया,
वंशवाद की बात आपने की, जाहिर है जिस परिवार की आप बात कर रहे हैं, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि पिछले 29-30 साल से उनका कोई प्रधानमंत्री नहीं है। तो जो प्रधानमंत्री नहीं है तो आपने निजात किसको दिलाई? और मंत्री भी नहीं है, सरकार में नहीं, प्रधानमंत्री भी नहीं, और उससे पहले भी आपकी ही पार्टी थी 77, उससे पहले भी दो प्रधानमंत्री बन गए, बल्कि तीन प्रधानमंत्री बन गए, अगर लाल बहादुर शास्त्री जी वो कांग्रेस के थे, लेकिन गैर कांग्रेसी भी दो प्रधानमंत्री बन गए।